आज ड्रेस दे रहा, ठीक है, अच्छा शिक्षा क्यों नहीं देता? हम पूछते अच्छा शिक्षा देने में क्या कोई बुराई है? अच्छा शिक्षा भी दीजिए उसको, ताकि उसको भी कल बनकर आदमी बने। ऐसा नहीं कि आपका बेटा कार में घूमे और उसका बेटा साइकिल पे घूमे। जेपी पटेल तो दल बदलू है, कल तक बीजेपी में थे, आज आ गया कांग्रेस में, तो जहाँ मलाई मिलेगा वहाँ पर चाटे। हर एक चीज खरीदने के लिए हम लोग देखते हैं 10 बार कि अच्छा रहेगा कि नहीं, मेरे बच्चे के लिए, मेरे प्रोडक्ट के लिए, मेरे शरीर के लिए, मगर एक बार भी सरकार चुनने के लिए हम लोग उंगली नहीं उठाते। कोई 500 में बिक जाता, कोई 1000 में बिक जाता। 40% महिलाएं आज भी माँ बनने के लिए गर्भ धारण नहीं कर पाती। NDA रहे या UPA रहे, आज तक जो भी काम किया ठगने काम किया। एक ने 85 लाया जो आदमी को खड़े मार दिया, और एक ने मैट्रिक इंटर करके आदमी को सुला के मार। निशिकांत दुबे सवाल करते हैं। निशिकांत दुबे करते हैं तो निशिकांत दुबे अपने भागलपुर के लिए करते हैं, हमारे झारखंड के लिए करते हैं। जिंदा रहने के लिए आपको मालूम नहीं है, सुअर चराइए, बकरी पालिए, अंडा बेचिए, मुर्गा बेचिए, सबको आपको नहीं बताया गया, ऑप्शन तो दिया गया। अगर आज भी यदि जयराम की आवाज को यदि कोई दरकिनार कर रहा है, तो मैं समझता हूँ झारखण्ड के लोग अभी भी बुड़बक और मूर्ख। अभी मैं झारखण्ड के गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में मौजूद हूँ, और हमारे साथ जो है JBKSS के कुछ सदस्य हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा प्रसाद महतो के सामने इनके पार्टी के जो प्रत्याशी हैं टाइगर जयराम महतो कैसे चुनाव जीतेंगे। दादा सबसे पहले जोहार और स्वागत है, कौन सा जगह है ये? दादा सबसे पहले तो भोकाल TV को हमारी ओर से जोहार, और ये टुंडी विधानसभा क्षेत्र राजगंज मंडल अंतर्गत राजगंज मोड़ है। राजगंज मोड़ है तो ये तो मथुरा प्रसाद महतो जी का विधानसभा क्षेत्र है ना? जी हाँ, उनका विधानसभा क्षेत्र है। हाँ। लेकिन इस चुनावी सत्र में जी जो UPA गठबंधन है जी, उनका कोई विजन नहीं है, क्योंकि वो झूठ का पार्टी है, झूठ बोलने में महारत है जी। उनका जो मैनिफेस्टो पिछले साल है, उन्हीं मैनिफेस्टो को लगभग रिपीट किया गया। अच्छा, जो पिछले बार चुनाव हुआ था वही वाला मैनिफेस्टो को घुमा फिरा के पेश कर दिया गया है? वही है। अच्छा। और झारखंड में क्या उनका काम है वो जनता देख रही है जी। उनका चूंकि भले ये लोकसभा नेशनल का मुद्दा है जी, लेकिन झारखंड की जनता झारखंड में अपना क्या हो रहा है इसका जानने का प्रयास करता है और देखता है जी। तो झारखंड में चूंकि NDA रहे या UPA रहे जी, आज तक जो भी काम किया ठगने काम किया। एक ने 85 लाया जो आदमी को खड़े मार दिया जी, और एक ने मैट्रिक इंटर करके आदमी को सुला के मार दिया। मतलब मारने का छोड़कर बचाने का कहीं राह नहीं दिखाया कि आदमी जिंदा कैसे रहे। तो रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए आपको मालूम नहीं है, सुअर चराइए, बकरी पालिए, अंडा बेचिए, मुर्गा बेचिए, सबको आपको नहीं बताया गया, ऑप्शन तो दिया गया था। तो ये काम क्या हम गरीबों के लिए ही है? ये काम जो सांसद है उनके पुत्र के लिए नहीं है? वोट देने समय आपको सोचना चाहिए, झारखण्ड की जनता को वोट देने समय सोचना चाहिए। ये बात अब झारखण्ड की जनता जाग गई है, और इनका झारखंड की जनता जाग गई है। इनके लिए बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं अपने JBKSS के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को, जिन्होंने झारखंड के जनता को, आवाम को ये पहचान दिलाया, ये बताया कि आप क्या हैं और आपकी पहचान क्या होनी चाहिए, जिससे झारखंड बचेगा और झारखंडियत बचेगा तो आपका अधिकार मिलेगा। ये अधिकार की बात आज तक जी किसी पार्टी ने नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उनको लूटने में व्यस्त रहे। ये बताइए दादा कि JBKSS के सुप्रीमो जो है टाइगर जयराम महतो प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनावी मुद्दा क्या है आप लोग का? जैसे भाजपा बहुत वादे कर रही है, कांग्रेस भी बहुत वादे कर रही है, तो आप लोग क्या वादा कर रहे हैं यहाँ के लोगों के साथ? देखिए, हम तो नेशनल वादा नहीं करेंगे क्योंकि हम झारखंड से हैं जी, और भले नेशनल चुनाव के लोगों के लिए क्या वादा कर रहे हैं? यहाँ के लोगों के लिए नीति जी होगा विस्थापन का जी, यहाँ का नीति होगा नियोजन का जी, यहाँ पहचान की बात होगी जो खतियान को आधारित होगा। नियोजन नीति तो राज्य सरकार बनाती है, सांसद से थोड़ी बनता है। तो नीति बनता है लेकिन यहाँ से जाता है गड़बड़ हो जाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारा जी। तो जो ये बात जो है संसद में रखेगा जी, जो पारित हो, क्योंकि विस्थापन का बहुत सारा मुद्दा है। अब ये कह रहे कि वहाँ पर भी आवाज उठाएंगे कि झारखण्ड में ऐसा हो रहा है? हाँ जी जी हाँ, क्योंकि विस्थापन का बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे झारखण्ड में जी। इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से खनिज बहुत सारा उत्पन्न होती है जी। जैसा कि आप जानते हैं, एक्सपीरियंस आदमी है आप, काफी समय से लोकसभा का चुनाव देखते आ रहे हैं, हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। लोकसभा का चुनाव होता है ना तो धन बल का होता है, इतना ज्यादा धन खर्चा होता है जिसका अंदाजा एक आम नागरिक लगा नहीं सकता है, गिन नहीं सकता उस पैसे को। ये बताइए कि जयराम महतो के पास तो धन है ही ना, है ही नहीं, बल जो है वो कितना है आप लोगों को पता है, तो कैसे धन बल वालों के सामने, व्यवसायी के सामने चुनाव जीतेंगे जयराम दादा? देखिए,
यहाँ की जनता जो है, यहाँ के जो नौजवक है जी, वो नौजवक धन को साइड कर दिया है जी, और अपना तन लगा दिए हैं। अच्छा, प्लस अपना पॉकेट से पैसा देके और जयराम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए गोमिया में, आप जो गोमिया में उस दिन देखे होंगे आप जी, रिपोर्टिंग, गोमिया में वहाँ की महिलाएं उसके नॉमिनेशन के लिए पैसा चंदा इकट्ठा किए। आज भी मैं एक जगह रिपोर्टिंग करने गया, बहुत सारी महिलाएं 20-20-30 रुपए चंदा की थी और 3-4 हजार चंदा हुआ था, मैं देख के आया हूँ ये बात। उसको चंदा से एकदम पूर्ण रूप से सत्य है जी, पूर्ण रूप से सत्य है। अभी जयराम को तो जो है टाइगर है ये जी, टाइगर के सामने तो अब झारखंड को कोई ऐसा जगह नहीं है कोई जयराम को नहीं जानता होगा, लोग एक बच्चा भी जानता है जयराम को जी। वो जयराम चाहता है कि मेरा भविष्य जो है सो हम लोग का तो समझ लिया आधा गुजर गया, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा है, ये बच्चा का भविष्य के लिए जयराम चाह रहा है कि हमारा बच्चा का क्या होगा जी। हम जनता झारखंड के जनता से कहना चाहेंगे कि आप अपना छोड़ दीजिए, आप अपना भविष्य को देखिए, हमारा भविष्य क्या करेगा जी। इस भविष्य को आगे लाओ, वही आवाज जयराम उठा रहे हैं। अगर आज भी यदि जयराम के आवाज को यदि कोई दरकिनार कर रहा है तो मैं समझता हूँ झारखंड के लोग अभी भी बुड़बक और मूर्ख है। बुड़बक और मूर्ख नहीं होता तो बताइए कि जिस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचारी लोग काबिज है सत्ता पर, जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी लोग यहाँ पर जो है अलग अलग क्षेत्र से आके जो है यहाँ पर हर खनिज जो है खनिज संपदाओं पे लूट मचा के रखा है, ये क्यों हो रहा है? इसका तो यही रीजन है ना कि झारखंड की जनता गलत है, यहाँ पर ऐसे लोगों को बिना सोचे समझे मतदान कर देती है, इसी यही कारण है। अभी आपका एगो चाईबासा साइड का जादूगढ़ का कुछ नाम है, यूरेनियम वहाँ निकलता है ठीक है, वहाँ यूरेनियम जो निकलता है तो यूरेनियम को यहाँ से छान के और उसका जो केमिकल जो निकलता है वो केमिकल ले जाता है, सब रख लेता है अपना सरकार यहाँ पर, और उसका जो डस्ट है उसको छान के फिर झारखंड में ला देता है, और उस यूरेनियम से वहाँ का 40% महिलाएं आज भी माँ बनने के लिए गर्भ धारण नहीं कर पाती है। ये जयराम का ही स्टेटमेंट है, हाँ, मैंने सुना है, और एक लेडीज का भी स्टेटमेंट हम सुने हैं कि लेडीज भी वहां से बोल रही थी वही के लोग जी। तो इस तरह की दुर्भाग्य, इस तरह दुर्भाग्य को आज झारखंड का न विधानसभा का कोई मुख्यमंत्री हमारे देखते हैं, न केंद्र में जितने विधायक हमारे सांसद 14 सांसद गए, न 14 सांसद देखते हैं जी। तो इस तरह का हमारे झारखंड का क्या दशा होगा? ये बताइए कि 2019 से 2024 खत्म होने वाला है, 14 सांसद यहाँ पर है, कोई एक ऐसा सांसद का नाम बताइए जिसको जिसके बारे में आपको लगता है किसी भी पार्टी का हो कि यार वो सांसद थोड़ा सा ठीक था और लोगों के हिसाब से, एक सांसद का जल्दी खत्म करेंगे, किसी एक सांसद का नाम बताइए आप। देखिए मेरा नजर में तो कोई सांसद ऐसा नहीं नजर आ रहा है, कोई नहीं नजर आ रहा है, एक भी लोकसभा में एक भी सांसद आज तक बैठ के कोई मैंने सवाल नहीं कर पाया। निशिकांत दुबे सवाल करते हैं, निशिकांत दुबे करते हैं तो निशिकांत दुबे अपने भागलपुर के लिए करते हैं, हमारे झारखंड के लिए नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते हैं। अच्छा, हमारे झारखंड के जितने भी सांसद हैं, जितने भी सांसद हैं वो लोकसभा का जो संसद भवन है वहाँ जाने के बाद उनका मुंह में सेलो टेप लग जाता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उन लोग का खुद ही आइडिया नहीं है कि सांसद का मतलब क्या है, सांसद करे क्या सकता है, वहाँ पर इंग्लिश में टॉकिंग होता है, जानता नहीं है। सारे सांसद जो है नॉन मैट्रिक मैट्रिक इंटर करके गए यार, कुछ खुद के नहीं आता है, उसको पता ही नहीं है कि हम सांसद करे क्या सकते हैं। ये बताइए कि झारखंड को मान लीजिए कि जयराम दादा भी आए हैं, ये 24वां साल हो रहे हैं झारखंड को, तो 2004 में पहली बार चुनाव हुआ था जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो 2004 2009 2014 2019 पांचवा चुनाव होने वाला है, तो पांचवा चुनाव में इतना वक्त क्यों लग गया समझने में कि यार झारखंड को युवा पढ़ा लिखा शिक्षित सांसद चाहिए, क्यों समय लग गया? देखिए उस तरह का मूवमेंट कोई नेता कोई सांसद कोई विधायक बनाए भी नहीं किया जी, सिर्फ वोट बैंकिंग किया उन लोग जी, और हम लोग वोट बैंकिंग में विलीन हो गए ठीक है, झारखंड के हित में कोई आज तक बात नहीं किया, जो झारखंड कहाँ जा रहा है झारखंड में क्या अपना समेटने का कोशिश किया। आप देखिए जितना सांसद और विधायक है हर किसी को देखिए परिवारवाद है, ये तो सबसे बड़ी समस्या है परिवारवाद है। आज देखिए एक मैंने कांग्रेस का भी जी, हाँ। मैं बोलना नहीं चाहिए बोल रहा हूँ, बोलिए बोलिए, मैंने कांग्रेस का जो है धनबाद का सीट जी, दिया गया हाँ। अनूप सिंह की पत्नी को दिया गया, सही बात है अनुपमा सिंह को, क्या वहाँ पर झंडा खाली क्या वही लोग ढोता है कि कार्यकर्ता भी ढोते हैं? बिल्कुल ढोते हैं, तो उस कार्यकर्ता ऐसा कार्यकर्ता नहीं है क्या? अब तो कांग्रेस वालों से पूछना होगा है ना भाई, बिल्कुल, तो उसको भी देना चाहिए जो आज जो क्षेत्रीय का जो उठाया हमारा स्थानीय, आज स्थानीय के चलते जयराम का ही आवाज है कि स्थानीय को टिकट मिलना चाहिए, जिसके कारण ढुलू महतो को धनबाद से टिकट दिया दिया गया जी, दिया गया ना जी। नहीं तो हाँ भी तो आज तक तो नहीं था स्थानीय का, नहीं था ये आवाज किसका है ये बताइए, ये पहली जीत है जयराम की जी,
जयराम की पहली जीत है कि वो मने क्षेत्रीय को लोग को मिलना चाहिए टिकट। अपने भाषण से इतना ज्यादा उसका भाषण से इतना ज्यादा दबाव दे दिए कि भाजपा को क्षेत्रीय मतलब लोकल व्यक्ति को जो टिकट देना पड़ा। ये बताइए कि वो तो ठीक है, मान लीजिए कि वहाँ पर तो परिवारवाद चल ही रहा है, यहाँ मान लीजिए कि मथुरा प्रसाद महतो है और उधर जो है हजारीबाग में जेपी पटेल दिया, यहाँ तो परिवारवाद है, परिवारवाद। देखिए जेपी पटेल तो वो तो दल बदलू है, कल तक बीजेपी में थे, आज आ गया कांग्रेस में, तो जहां मलाई मिलेगा वहां पर चाटेगा। तो ये ऐसा एक बात बताइए, झारखंड के जनता को बताइए कि जो इतना ज्यादा दल बदल करते हैं, ये तो सिर्फ ऐसे पता चलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ वो अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अगर लोगों के बारे में सोचते तो जहां थे वहीं रह के विकास करने के बारे में सोचते। अगर इस तरह से दल बदल का जो काम खेला करते हैं लोग, इस पर हम तो समझते कि न्यायालय को भी इसमें संज्ञान में लेना, नियम बनाना चाहिए, कुछ संज्ञान लेना चाहिए। न्यायालय दल दल बदल कानून है लेकिन उसका कोई पालन नहीं करता, नहीं, उसको पालन करना चाहिए, न्यायालय को इसमें आना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह हो रहा है तो उसका एक मैंने लिमिटेशन होना चाहिए, क्या 5 साल रहिए या 8 साल रहिए 7 साल रहिए, उसके बाद आप दल बदल कर सकते हैं। इस तरह का एक नियम होना चाहिए, ये मेरा जहाँ तक थिंकिंग है। ये बताइए कि जयराम महतो के लिए प्रचार प्रसार करेंगे? एकदम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से, एकदम निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं। मान लीजिए यहाँ तो आपका घर है, तो मैं एक आंदोलनकारी हूँ, उस समय से भी मैं निस्वार्थ में था। आज मेरा एक साथी है जैनुल, ये भी हम लोग आंदोलनकारी, हम लोग निस्वार्थ से क्या, आज भी निस्वार्थ, जयराम के लिए कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। आप लोग के दोस्ती को देख के ऐसा फील होता है कि ये जो कम्युनल होता है, ये जो जाति पाति धर्म, ये सिर्फ बांटने के लिए किया जाता है, ये जो है एक दूसरे को जो है भड़काने के लिए करता है, वोट लेने के लिए करता है, ठीक है। इस बात पे हम पूरा निश्चय है, बता भी रहे, ठीक है। जितना भी ये सरकार जो है, जब भी ये चीज आता है ना कि जब वोट होने का वाला रहता है तब इस चीज को लेकर के भेदभाव करता है, ठीक है। तो हम लोग को खुद में ये बात को समझना चाहिए, ठीक है। कोई कुछ भी करे, हम लोग को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हमारा जो सरकार मजबूत रहेगा, हम लोग को कभी भी पता है, हर एक चीज खरीदने के लिए हम लोग देखते हैं 10 बार की अच्छा रहेगा कि नहीं, मेरे बच्चे के लिए, मेरे प्रोडक्ट के लिए, मेरे शरीर के लिए। मगर एक बार भी सरकार चुनने के लिए हम लोग उंगली नहीं उठाते। कोई 500 में बिक जाता, कोई 1000 में बिक जाता, इस चीज को हमेशा पता है, इस चीज को हमेशा अपना दिल से चुनना चाहिए, क्योंकि आज हमारा भविष्य है, कल हमारे बच्चों का भविष्य होगा, ठीक है। हम भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है, मेरा भी कुछ मजबूरी था, इसलिए हम आगे भी नहीं पढ़ सके। बात यही है कि हमको भी कम उम्र में कमाना पड़ा, ठीक है। इस चीज को हर सरकार को देखना चाहिए कि कहां किसकी मजबूरी है, उस चीज को मजबूरी को समझे। सरकार का काम क्या होता है कि पूरा गांव पूरा शहर को देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम सरकार बन गए और हम खुद का जेब भर रहे और गांव का जो लोग है वो भूखे मरे, ठीक है। इस चीज को देखना चाहिए हमेशा सबको, ठीक है, सबको लेके चलना चाहिए। और जनता का सबसे बड़ा बात यही कहेंगे कि जनता जो है अपना कभी भी सरकार चुने तो सोच समझ के चुने, ठीक है, ताकि उसका भला हो, ऐसा ना हो कि जो जिसको हम वोट दे रहे हैं उसका भला, ठीक है। आज कोई भी सरकार का बेटा जो गरीब नहीं होता, ठीक है, हर एक सरकार का बेटा कोई लंदन में, पोलैंड में कहीं भी पढ़ता है, और भारत का बच्चा को अच्छा तरीके से स्टडी नहीं मिल पाता है, वो ड्रेस के लिए हर एक चीज के लिए जो है ना तरसता। आज ड्रेस दे रहा, ठीक है, अच्छा शिक्षा क्यों नहीं देता? हम पूछते हैं अच्छा शिक्षा देने में क्या कोई बुराई है? अच्छा शिक्षा भी दीजिए उसको, ताकि उसको भी कल बनकर आदमी बने। ऐसा नहीं कि आपका बेटा कार में घूमे और उसका बेटा साइकिल पे घूमे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब के समय में शिक्षा पर बात करनी पड़ेगी, अगर गरीबी दूर करना है भारत से तो सबसे पहले यहाँ पर बेहतर जो है शिक्षा देनी पड़ेगी, अच्छे स्कूल बनाने पड़ेंगे, स्कूल में अच्छे शिक्षक रखने पड़ेंगे, तभी जाके जो है हमारे देश का जो है विकास होने वाला है, नहीं तो नहीं होगा। देखिए बहुत ज्यादा रात हो गई है, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा, टाइगर का पहला उद्देश्य होगा हर पंचायत में एक लाइब्रेरी खोलने का उद्देश्य, ताकि शिक्षा को बेहतर मिल सके। देखिए बहुत ज्यादा रात हो गई है, हमारा बैटरी वैटरी भी खत्म होने वाला है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आप लोग के क्षेत्र में आएंगे थोड़ा समय बीत जाने के बाद। और इतना तो तय है कि एक युवा आता है, गरीब परिवार से आता है और लोगों के दिल में छा जाता है अपने बातों से, अपने अपने एजुकेशन के माध्यम से, तो बस 4 जून का इंतजार कीजिए। अब 4 जून को पता चलेगा कि जयराम महतो को जो है जीत मिलती है या फिर क्या होगा, वो समय आएगा तो पता चलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।